श्रीमान दिनेश पवार उदयपुर ने अगले वर्ष के स्मृति चिन्ह लाभार्थी बनने की घोषणा की। वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली मेवाड़ क्षेत्र की सामाजिक प्रतिभाएं पूर्व में प्रचलित परिपाटी के अनुसार अपने आवेदन सचिव या अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास शीतला सप्तमी तक जमा करवा सकते हैं। ओम प्रकाश जी पाटी फतेहनगर ने सुझाव दिया कि 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 3-3 छात्र छात्रा को जो उच्चतम अंक वाले होते हैं उसको 5-5 किया जाए तथा सेंट्रल व स्टेट बोर्ड की अलग अलग वरीयता बना उसी अनुरूप सम्मानित करें, जिसे सभी ने अनुमोदित किया। अजय जी कनेरिया नाथद्वारा ने ध्वजा समारोह के दौरान रक्तदान शिविर लगाने का सुझाव दिया। कैलाशपुरी जाजर के तत्वावधान में भूखंड खरीदने के विषय पर व्यापक चर्चा हुई, जिस पर पूरणजी चौहान ने प्रस्ताव रखा कि भूखंड हेतु उपखंड अधिकारी गिरवा जिला उदयपुर, उदयपुर विकास प्राधिकरण तथा नगर परिषद राजसमंद में आवेदन किया जाए, जिस पर सभी ने इस हेतु अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण बकवाला को अधिकृत किया कि वे इस हेतु आवश्यक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करावे। श्री मुकेश कनेरिया नाथवाला ने प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में संपूर्ण मेवाड़ विपक्षी समाज ध्वजा समारोह एवं सम्मेलन समिति कैलाशपुरी का जो नामकरण व्यवस्था विभाग उदयपुर पंजीकृत है उसे संशोधित करते हुए संपूर्ण मेवाड़ विपक्षी समाज कैलाशपुरी रखा जावे एवं इसके विधान में अनेक त्रुटियां इसलिए इसमें भी आवश्यक संशोधन व संवर्धन किया जाना आवश्यक है, जिस पर उपस्थित सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की। विदित हो कि नामकरण को लेकर पूर्व में भी कई बार प्रस्ताव मौखिक रूप से पारित हो चुके थे लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उक्त प्रस्ताव के निराकरण के संबंध में सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय सत्यनारायण जी बकवाना को अधिकृत किया एवं एक 5 सदस्यों की कमेटी गठित कर आवश्यक संशोधित कार्यवाही कराने उसकी प्रति व्यवस्था विभाग उदयपुर में नियमानुसार प्रस्तुत की जावे। श्री भवनलाल जी कलगुजर नाड़ियावाड़ा ने बताया कि कैलाशपुरी राजन के अधीनस्थ सातोही क्षेत्रीय चौकलों के अपने अपने अधिकार हैं, जिसमें हरारा चौकला को लैंड व ध्वजा का अधिकार पूर्व में राजन द्वारा बंधित कर दिया गया था, जिसे पुनः बहाल किया जावे, जिस पर सर्वसम्मति से सभी सातोही क्षेत्रीय चौकलों के मूल अधिकारों को बहाल किया गया। साथ ही सभी क्षेत्रीय चौकला अध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्र में लिए गए सामाजिक फैसलों से कैलाशपुरी राजन को अवगत कराने का दिशा निर्देश दिए गए। अगर किसी बिंदु पर सामाजिक सहमति किसी चौकले क्षेत्र में नहीं बनती है तो ऐसी परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र चौकला अध्यक्ष द्वारा दोनों ही पटेल जी व तीनों ही निर्वाचित कैलाशपुरी पदाधिकारी एवं शेष क्षेत्रीय चौकला अध्यक्ष गणों की बैठक आहूत की जावे, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय हो सके। नाथवाड़ा में आगामी देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को होने वाले सामूहिक विवाह की अब तक की प्रगति के बारे में मदन कुमार जी गहलोत ने विस्तार से बताया। साथ ही कहा कि इसमें सरकार द्वारा जो अनुदान राशि प्राप्त होती है उस पर समिति का ही अधिकार रहना चाहिए, जिस पर सर्वसम्मति से सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली अनुदान राशि को सामूहिक विवाह समिति के पास ही रखने का अनुमोदन किया गया। इसी क्रम में फतेहनगर समाज के अध्यक्ष सुरेश जी सोलंकी ने प्रस्ताव रखा कि पूर्व में फतेहनगर समाज द्वारा 2 बार सामूहिक विवाह कैलाशपुरी जाजम के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न किए गए, जिस पर राज्य सरकार द्वारा फतेहनगर समाज जो कि उस समय पंजीकृत नहीं था, जिससे उक्त अनुदान राशि उदयपुर समाज को प्राप्त हुई थी, जिसे उन्होंने उक्त संपूर्ण अनुदान राशि कैलाशपुरी कोष में जमा करा दी गई थी। उक्त राशि फतेहनगर समाज को अपनी सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु लौटाने का निवेदन किया, जिस पर सर्वसम्मति से राशि लौटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। दिनेश जी राठौड़ चारभुजा जी ने प्रस्ताव रखा कि वर्तमान समय में हमारे समाज में भी अंतर जातीय विवाह का चलन बढ़ रहा है, इसको समाज स्तर पर रोका जाए, जिस पर उपस्थित सदस्यों द्वारा काफी विचार विमर्श किया गया किंतु वर्तमान परिस्थिति के में कानून के अनुसार किसी भी समाज बंधु पर चयनित पदाधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। केवल समाज के पदाधिकारी के ध्यान में आने पर अंतर जातीय विवाह लड़का लड़की का नहीं करने के संदर्भ में सामूहिक कमेटी द्वारा उनके परिजनों को संदेश कर शादी नहीं करने हेतु भरसक प्रयास किए जा सकते हैं। यह समिति सभी समाज बंधुओं को आह्वान करती है कि वे समय रहते अपने विवाह योग्य संतानों का सगाई संबंध करते हुए उन्हें यथाशीघ्र परिणय सूत्र में बांधे, ताकि इस प्रकार की विसंगतियां समाज परिवार में उत्पन्न नहीं हो। अंत में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में सत्यनारायण मकवाना ने सभी समाज जनों का आह्वान किया कि आगामी 7-8 अप्रैल को आयोजित ध्वजा समारोह में सभी अधिकाधिक संख्या में पधारें तथा तन मन धन से समिति को सहयोग प्रदान करें। उन्होंने आज की बैठक में अल्पाहार तथा भोजन प्रसाद की व्यवस्था हेतु नरेश जी पवार का आभार व्यक्त किया था। साथ ही ये जो निर्णय थे उनका कल रात्रि में जो पंचायत समाज की हुई उसमें सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया। इस अवसर पर श्री भगवती लाल जी राठौर जो सेक्टर 3 उदयपुर निवास करते हैं उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2026 में ध्वजा समारोह
एवं क्षेत्रीय सम्मेलन होगा उसके भोजन प्रसाद एवं अल्पाहार के लाभार्थी वो रहेंगे। हम इस मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। अब मैं